मथुरा में भव्य तरीके से होली मनाएगी यूपी सरकार। सीएम योगी आज बरसाना के श्रीजी मंदिर की भव्य लड्डू होली में शामिल होंगे। ब्रज क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के लिए सीएम योगी साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। मथुरा दौरे के दौरान सीएम विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। गौतम बुद्ध नगर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहर की जनता को होली गिफ्ट देते हुए करीब 2821 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। साथ ही कहा कि नोएडा ग्रेटर नोएडा देश दुनिया के लिए विकास का मॉडल है। ये सभी परियोजनाएं लोगों के लिए काफी फायदेमंद होंगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। गैरसैंण के भराड़ी सैंण में होने वाले सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा परिसर पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। 7 मार्च तक चलने वाले सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह तैयार हैं। फिलहाल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 3 दिन का बिजनेस तय किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। 4 मार्च को सरकार की ओर से सदन में बजट पेश किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नेत्र गोपाल दास महाराज ने कहा कि 1 या 6 महीने के अंदर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से आए साधु सन्यासी सहित सभी के सानिध्य में राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला बहुत जल्द राम जन्मभूमि गर्भगृह से फाइबर के मंदिर में अस्थायी तौर पर शिफ्ट हो सकते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी इस विषय पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कि 25 मार्च को पड़ने वाली रामनवमी से पहले रामलला राम भक्तों को नए मंदिर में दर्शन देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खान को आज रामपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम आपको बता दें कि अभी आजम खान और उनका परिवार सीतापुर जेल में बंद है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले पर सुनवाई होगी। साथ ही आजम खान के जेल शिफ्टिंग और जेल ट्रांसफर पर भी बहस होगी। इसके साथ आजम खान पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। बागपत से बीजेपी के विधायक योगेश धामा ने बागपत डीएम शकुंतला गौतम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीएम योगी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि डीएम की मिली भगत से जिले में कुख्यात बदमाश अवैध तरीके से खनन कर रहा है। लोगों की शिकायत पर उनके साथ मारपीट भी हो रही है। उन्होंने बताया कि अब सीएम योगी की शिकायत के बाद जल्द ही इस मामले में कार्रवाई होगी। ललितपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल किस तरह बेहाल है उसकी एक तस्वीर सामने आई है। यहां के जिला अस्पताल में बिजली जाने के बाद डॉक्टर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज करते नजर आए। इस बारे में जिला अस्पताल के सीएमएस ने अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों की लापरवाही की बात मानी। उन्होंने बताया कि बिजली चली जाने के बाद इन्वर्टर चार्ज नहीं था और जनरेटर भी खराब पड़ा था, जिससे लोगों को परेशानी हुई। फिरोजाबाद में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षिका के ठुमके लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना नारखी इलाके के कुतुबपुर चनोरा गांव में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में बकायदा साउंड सिस्टम लगाकर ये डांस किया गया। मामले को तूल पकड़ता देख अब शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है। बीएसए ने वीडियो में नाचने वाली महिला टीचर समेत 6 टीचरों को निलंबित कर दिया है। फतेहपुर में पुलिस कर्मियों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में दारोगा एक डांसर पर पैसे लुटाता दिख रहा है। साथ ही डांसर्स के साथ अश्लील हरकत भी की जा रही है। पूरा वीडियो हुसैनगंज कस्बे का बताया जा रहा है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने वीडियो पर संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही दारोगा के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए गए हैं।